करने वाले सुशील भैया करते हैं उनकी आदतों में है, क्या कर सकते हो आप। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ है वो शायद इस क्षेत्र में कभी नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। क्या बात, और देखिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। आज से चेतना आजाद जी ने आदरणीय राखी आजाद जी को गुरु मान लिया है। क्या बात है, इस मंच पर एक और प्रथा डाली गई, नई बात हो गई। मृत्युंजय भैया ये देखिए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप जितने लोग बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और मेरे छोटे भाई अवधेश सचल जी, सर्वे साहसी जी, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाएं। और कहीं दिल में कोई, हृदय में कहीं किंचित लेस मात्र भी कोई बात ऐसी न लाइएगा, क्योंकि मेरा मंतव्य ये है कि हम लोग बैठे हुए हैं तो सभी को सुन लिया जाए, और स्थान बचेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी सुना ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्ज के रूप में हमारे ऊपर है, तो कहीं बहुत अच्छी जगह सुन लेंगे आप लोगों को, अपने से ही सुन लेंगे। कहीं ऐसा मौका आएगा तो हमारे सामने ही आप सुनाना, हम ही होंगे वहां और कीर्तनकार नहीं होंगे। मैं बुला लूंगा जल्दी माता रानी ने जा दो। आइए सुनते हैं बड़े भैया संतोष राय जी को, और इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है चेतना जी, बहुत बहुत साधुवाद है। सबसे पहले आइए आमंत्रित करते हैं, इस प्रस्तुति को सुनिएगा सम्माननीय प्रधान दिनेश पांडे जी। धर्मेंद्र भैया कहा, पहले उनको बुलाओ। कहाँ चले गए धर्मेंद्र, कहाँ गए उनको बुलाइए। और दिनेश पांडे जी आप कहीं जाएंगे नहीं, बैठिए। और हमारे लालमन भैया कहाँ चले गए, अच्छा गा के चले गए, ठीक है, यही होना चाहिए कलाकार के अंदर, अच्छी बात है ये। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, चले गए। सबसे पहले धन्यवाद देंगे आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जिन्होंने सुंदर आयोजन रखा है। इससे केवल संगीत को ही नहीं बल्कि हमारी भारतीय परंपरा को बल मिला है। सभी कलाकारों को बुला करके उनका सम्मान कानपुर नगर में हो रहा है, इससे बड़ी गौरव की बात कोई नहीं हो सकती। ये हम लोगों के गौरव की बात है। हम अपने छोटे भाई शंभू जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे खास तौर से इसके लिए। और आपको बड़ा धन्यवाद है, किसी मंच के माध्यम से आपने गुरु और चेली के संबंध को जोड़ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। श्री चरणों में प्रणाम है। एक जब पहली पंक्ति आपने बोली, वाकई हृदय को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम मैं चाटुकारिता करता नहीं हूँ, मेरी आदत में है जो बात है वो कह देता। बड़ी खुशी हुई जिस समय आपने कहा कि शंभू हलचल को धन्यवाद देंगे, तो मैंने सोचा आप किसी दूसरी ओर जा रहे हैं, इस बात के लिए तो धन्यवाद देंगे ही कि एक विशेषतम आयोजन मैंने प्रयास किया जिसमें कलाकार अपने लिए ही करते हैं, लेकिन मैंने सोचा आप सभी लोग खड़े हो जाएं, आप सभी लोग आ जाएं, आप सभी का आशीर्वाद मिल जाए। फिर आपने गुरु और चेली का थोड़ा सा भाव समझ में नहीं आया भैया, आगे इसी मतलब लटका दिया आपने, आगे ऐसे कार्यक्रम, ये कनपुरिया मार दिया आपने, आगे ऐसे कार्यक्रम और आयोजित, बहुत हास्य व्यंग में मार दिया आपने। चलिए ठीक है, बड़े भाइयों की आदत है, मार दिया कोई बात नहीं, मारते रहिए। शंभू भैया का फोन गया, जो भी कार्यकारिणी सदस्य है जो इस समिति के जिन्होंने आयोजन किया है, हमारे छोटे भैया शंभू भैया का फोन गया, तो मेरा यही अल्फाज था कि आगे आने वाले समय में मेरे लायक जो जरूरत होगी इस कार्यक्रम के लिए, जोरदार तालियां, पूरी तरह से सहयोग करूंगा मैं, जोरदार तालियां, पूरे इस मंच के माध्यम से यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ, जैसी भी जिस प्रकार की मेरी हैसियत है मैं इसमें मदद पूरी करूंगा। मृत्युंजय भैया कानपुर के बहुत वरिष्ठतम कीर्तनकारों में है, संतोष भैया के अपना हिसाब किताब है कीर्तन दुनिया में, एक अलग प्रस्तुति है। और सत्य मान लीजिए हमको जो संतोष भैया के अंदर कुछ बातें मिलती हैं वो जल्दी मिलती नहीं कहीं, इसलिए इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ।
हृदय से धन्यवाद है। आइए, समय को जाया न करें क्योंकि कलाकार बहुत है। आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल संतोष भैया स्वागत। आओ पप्पू भैया, आप थोड़े देर डर आओ, आओ बैठो भैया। हमको तपा तपा कर हमको तपा तपा कर कंचन बना गए। क्या बात भैया, क्या बात। हमको तपा तपा कर कंचन बना गए। पीर भरे गीतों का गुंजन बना गए। अपनी शायरी को रोक रहा हूँ बिटिया, क्या क्या नाम उसका, चेतना आजाद। देखो बेटा एक बात बताएं आपको, इसके स्कूल नहीं है, जो विधा हम लोग चला रहे हैं इसका कोई कॉलेज नहीं है, इसका कॉलेज रात में जगो और सुनो बस। बिल्कुल सही बात, सही बात। गुरु बनाने से कुछ नहीं होगा बेटा, इसको समझना पड़ेगा। बैठो सुनो कैसे शायर बोली जाती है, कैसे गाया जाता है, जाने से काम नहीं बनेगा। समझा रहे हैं ये तो सोचो राखी आजाद एंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता न करो आ जाओ सुनो। हमको तपा तपा कर कंचन बना गए, पीर भरे गीतों का गुंजन बना गए। खुद बिकर मिट्टी के मोल देवता, गुरु लोग खुद बिकर मिट्टी के मोल देवता, हमको महका महका कर चंदन बना। जय हो, ये शंभू भैया की ओर से प्रथम में ही 50 पद मुद्राएं अर्पित है, छोटे भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिए एक गीत है, क्या बहुत बहुत गाया गया, बहुत हम भी छोटा से शंभू भैया ने कहा कुछ अलग, कुछ अलग तो कुछ अलग दे रहे हैं। कि ये रेशमी जुल्फें श्री अमित शुक्ला जी, आपके माध्यम से 101 पद मुद्राएं प्रदान है। आदरणीय सम्मानी श्री मनोज त्रिवेदी प्रधान जी, ये चिंता खेड़ा
अरे वाह प्रधान जी, एक मिनट प्रधान जी से मिलने। प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप चिंता खेड़ा भोजपुर से बता रहे हैं। मेरी ओर से आपको विशेष धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे। 14 मई को भैया खेड़ा मेरा प्रोग्राम लगा है, आप कहाँ चाहे आइए, भोजपुर के पास है ना भैया खेड़ा, हाँ वहाँ पर कार्यक्रम है, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ पर हम आएंगे। 14 मई को आपसे मुलाकात होगी जरूर। मेरा पप्पू भैया, ये हमारे छोटे भैया पप्पू तिवारी जी, आपकी ओर से एक से एक माला है। ये हमारे दादा आदरणीय सम्मानित श्री माता दीन जी विश्वकर्मा, आपके माध्यम से ये 101 पत्र मुद्राएं, अरे पत्र मुद्राएं क्या प्रेम है, और एक पुष्पमाला है। ये हमारे बहुत ही अजीज कलाकार हैं, ये जो तीन मूर्तियां बैठी हैं, तीन मूर्तियां जो प्रधान जी बैठी हैं, ये हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं, आदरणीय सम्मानित श्री राम सुरेश जी द्विवेदी, हमारे लालचंद जी दीक्षित और हमारे आदरणीय माता दीन जी विश्वकर्मा, विशेष हमारे सहयोगी कलाकार हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने खूब कीर्तन गाया, साथ साथ बहुत गाया, बहुत जबरदस्त। तो आइए सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कि इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, सत्यवान के प्राण ले, सत्यवान के प्राण ले, यमराज चल पड़े, पीछे पीछे चली सावित्री तो आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े, जाते हुए पति को देख दुख सहने लगी, और किसी से नहीं, जाते हुए पति के प्राणों को देख दुख सहने लगी, फूट फूट कर रो रो कर पति की काया से यूं कहने लगी। पहली पंक्ति बोल रहा हूं, अगर आनंद आ जाए, पहली पंक्ति पति के प्राणों, पति की काया से रो के कह रही है सती सावित्री, यमराज से नहीं कह रही है, अपने पति से कह रही है, क्या अरे व्याकुल विवश होकर कहने लगी रोकर, क्या है व्याकुल विवश होकर कहने लगी रोकर, कि सजन छोड़कर जा रहे हो, क्या बात, क्या हो रहा है, सजन छोड़कर जा रहे हो कहाँ, और ये तन छोड़कर हमारे मैनेजर साहब जो ठठिया से आए हैं जिला कन्नौज से, आपके कार्यक्रमों से ये 51 रुपए और पुष्पमाल, ये हमारे शिष्य हैं, उदयमान कलाकार हैं टिल्लू सिंह, टिल्लू अंजाना ठठिया से बिलोंग करते हैं, आपकी ओर से भी ये गुरुजी के लिए कुछ
सप्रेम भेंट आई है, मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है, अनिल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। कि ये तन छोड़कर जा रहे अभी, अरे छूटी हाथों से मेहंदी की लाली नहीं, छूटी हाथों से मेहंदी की लाली नहीं, और पूरी पी पाई मैं प्रेम प्याली नहीं, मुरझाई डाली डाली। अब सुनिएगा हंगामा साहब, मुरझाई डाली डाली तो बोलो मेरे मन के माली, मुरझाई डाली डाली तो बोलो मेरे मन के माली, ये चमन छोड़कर जा रहे हो, छूटी हाथों से मेहंदी की लाली नहीं, पूरी पी पाई मैं प्रेम प्याली नहीं, अरे मुरझाई डाली डाली बोलो मेरे मन के माली, ये चमन छोड़कर जा रहे हो कहाँ, और ये तन छोड़कर जा रहे हो कहाँ। मेरे दिल का ये दर्पण तुम्हीं से तो है, मेरे दिल का ये दर्पण तुम्हीं से तो है, और कर्मे कमनी कंगन तुम्हीं से तो है, कर्मे में कामनीय कंगन निर्मित स्नेह से सुख अनुपम, कर में कामनीय कंगन निर्मित स्नेह सुख से अनुपम, कर में कामनीय कंगन और निर्मित स्नेह सुख से अनुपम, ये भवन छोड़कर जा रहे हो कहाँ, ये भवन छोड़कर जा रहे हो कहाँ, और ये तन छोड़कर जा रहे हो के ए यस के, अच्छा ए यस के सभी प्रकार के पाउच पैकिंग के निर्माता हैं आप, सिवाय टेडर्स
आपकी ओर से ये ढेर सारा पुरस्कार आया है, मेरे ओर से आपके इस संस्थान के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और इसको हम भी रख ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत काम की चीज है आप जो कर रहे हैं इस समय के लिए। ये भंवर छोड़कर जा रहे हो कहां, और ये तन छोड़कर जा रहे हो कहां, और बहुत ही भाव भरा आखिरी टुकड़ा है समय को देखते हुए। क्या बात, सावित्री ने कह दिया अपने पति से, या तो सुहागन बनूंगी या उजड़ जाऊंगी, या तो सुहागन बनूंगी या उजड़ जाऊंगी, पथ में अड़ जाऊंगी यम से लड़ जाऊंगी, पथ में जा रहे होगा आखिरी बात में, अरे कैसी बेला है चल चल की, कह दूंगी कमल क्रोधानल की। आदरणीय सम्मानी पूजनी हमारे परम पूज गुरुवर पंडित कमल कुमार जी त्रिपाठी जी की कलम का जादू है ये। अरे कैसी बेला है चल चल की, कह दूंगी कमल क्रोधानल की, ये किरण छोड़कर जा रहे हो कहां, और ये तन छोड़कर जा रहे हो कहां, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां बड़े भैया के लिए। क्योंकि ऐसी प्रस्तुति